कालीबाग में कल सुपुर्दे खाक होगा माफिया मुख्तार अंसारी, कल सुबह 10 बजे दफनाया जाएगा शव। बांदा से गाजीपुर के रास्ते पर मुख्तार अंसारी का शव, देर रात 12 बजे के बाद ही पहुंचेगा काफिला। अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, जनाजे में शामिल होने की मांगी इजाजत, जल्द सुनवाई की मांग। सूत्रों के हवाले से खबर, मुख्तार के जनाजे में शामिल हो सकते हैं अफशान अंसारी, पिछले एक साल से है फरार। मुख्तार की मौत की होगी न्यायिक जांच, एसीजीएम गरिमा सिंह को जिम्मेदारी। एक महीने में सौंपी जाएगी न्यायिक जांच की रिपोर्ट, बेटे उमर अंसारी की अपील पर एसीजेएम को जिम्मेदारी। बाराबंकी कोर्ट में मुख्तार के वकील की अर्जी, बांदा जेल प्रशासन पर एफआईआर की मांग, वीसी से पेश हुए जेल अधीक्षक। कृष्णानंद राय का परिवार पहुंचा काशी विश्वनाथ धाम, पत्नी और बेटे ने कहा हमें बाबा ने दिया न्याय। मुख्तार के छोटे बेटे उमर ने कोर्ट जाने की कही बात, कहा प्रशासन पर नहीं है भरोसा। मुख्तार अंसारी के परिवार ने मौत को लेकर उठाए सवाल, बेटे उमर ने जहर देकर मारने का लगाया आरोप। परिवार से बातचीत का ऑडियो आया सामने, मौत से पहले मुख्तार ने परिवार से की थी बात। मुख्तार की मौत पर बोले कृष्णानंद राय के भतीजे, कहा गाजीपुर के लोगों में आज खुशी। मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश ने उठाए सवाल, कहा यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल। मौत पर ओवैसी ने भी उठाए सवाल, कहा सही से इलाज नहीं होने के कारण मौत, जांच की मांग की। मौत पर सवाल उठाने पर नकवी ने विपक्ष को घेरा, कहा अखिलेश हो या ओवैसी, जो सवाल उठा रहे हैं वो सांप्रदायिक तड़का लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा, कहा पिछली सरकारें बाहुबलियों का करती थी समर्थन। 2004 में मुख्तार को पकड़ने वाले पूर्व डीएसपी का दावा, जेल में डर से गई मुख्तार की जान, विपक्ष बंद करे माफियाओं पर सियासत। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट, पूरे राज्य में धारा 144 लागू। बलिया में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट, सीआईएसएफ के जवानों ने निकाला मार्च। माफिया मुख्तार की मौत के बाद मस्जिदों में भी सुरक्षा का कड़ा पहरा। लखनऊ प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, छावनी में तब्दील हुआ बांदा शहर। मऊ में भी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई। राजूपाल हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। बिहार में INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन ने की सीटों की घोषणा। बिहार में 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी RJD, कांग्रेस के खाते में आई 9 सीट। पप्पू यादव की नाराजगी पर बोले मनोज जाक, कहा ये दलों का गठबंधन है, व्यक्तियों का नहीं। अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन को बताया ठगबंधन, कहा दिखावे के लिए साथ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। बिहार में गठबंधन के सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी का तंज, कहा दिखावे के लिए हुआ सीट शेयरिंग। 31 मार्च को लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा भारत रत्न, पीएम मोदी सहित कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार बदलने पर लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर होगी कार्रवाई। 31 मार्च को दिल्ली में INDIA गठबंधन की महारैली, राहुल गांधी और खड़गे भी रहेंगे शामिल। महारैली में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी होंगे शामिल, तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे रामलीला मैदान। केजरीवाल की पत्नी ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान किया लॉन्च, व्हाट्सएप नंबर भी किया जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस 5 अप्रैल को जारी कर सकती है घोषणा पत्र। कांग्रेस को आयकर विभाग की ओर से 1823 करोड़ का नोटिस, कांग्रेस ने कहा टैक्स टेररिज्म में जुटी है बीजेपी। बीजेपी में शामिल होने के बाद नवनीत राणा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कहा इस बार NDA 400 से ज्यादा सीट जीतेगी। बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से जुड़ी खबर, NIA ने 2 आरोपियों पर रखा 10-10 लाख रुपए का इनाम। TDP नेता JC प्रभाकर को टिकट नहीं दिए जाने पर बवाल, कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस में की तोड़फोड़। अरुणाचल प्रदेश के लॉन्गडिंग में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर हिंसा, लोकसभा के लिए नामांकन के दौरान भड़की हिंसा, SP घायल। राजस्थान के कोटा में राम बारात पर हमला, महिलाओं के साथ मारपीट का भी आरोप। बहराइच में ऑटो को बचाने के चक्कर में हादसा, दीवार को तोड़ते हुए मकान में घुसी ट्रैक्टर ट्रॉली। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले, अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच, कई गाड़ियां चपेट में आई, जम्मू लद्दाख हाईवे बंद। भारत में न्यूज फीचर बंद करेगा फेसबुक, अफवाहों को लेकर हुई आलोचना के बाद फैसला। रूस का यूक्रेन में बड़ा हमला, 99 ड्रोन और मिसाइल से किए हमले, 10 ठिकानों को बनाया निशाना। दक्षिण अफ्रीका में पुल से नीचे गिरी बस, 45 लोगों की गई जान। गाजा के शिफा अस्पताल के इलाके में IDF की स्ट्राइक, हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। आइसलैंड में फिर ज्वालामुखी विस्फोट, नॉर्दर्न लाइट्स के बीच निकला लावा। ब्राजील में एक इमारत में लगी आग, पास की कई इमारतें भी चपेट में आई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। केकेआर का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। Z News.